इस क्रम में हमारे साथ हमारे विकास वाहिनी के हमारे संदीप शंकर जी यहाँ पर उपस्थित हैं। ये किसी परिचय के मोहताज नहीं है, लेकिन एक आपको और बात मुझे आज ही पता चली है, इसलिए मैं आज शेयर कर रहा हूँ। इनके पास दो अनमोल रत्न हैं और वो इन हाउस कॉम्पिटिशन चलता है इनका। ही इज फादर ऑफ प्राउड ट्विंस। मैं चाहूंगा कि वो अपनी बात यहाँ मंच से रखें। धन्यवाद सुमन भाई। आज के मुख्य अतिथि हमारे एमएन साहब और उपस्थित LIC परिवार के सभी सदस्य। मित्रों, जब कोई संगठन परिवार का रूप ले लेता है तो शायद इससे अच्छा किसी संगठन का स्वरूप हो ही नहीं सकता। आज इस कार्यक्रम में जब इस संगठन ने सभी को आमंत्रित किया तो ये बहुत ही हर्ष का विषय है कि उन्होंने एक ऐसे कार्य के लिए आमंत्रित किया जो बहुत ही एक अच्छा कार्य है। और इस मंच के माध्यम से मैं यहाँ पे उपस्थित हमारे परिवार के मुखिया उनसे भी मैं अपील करूँगा कि कुछ ऐसा प्रयास मैनेजमेंट की तरफ से भी होना चाहिए कि जो बच्चे बहुत अच्छा कर रहे हैं कुछ उनके लिए हमारे इस LIC परिवार से मैनेजमेंट की तरफ से कुछ स्कॉलरशिप या कुछ प्रोत्साहन उनके लिए होना चाहिए, क्योंकि आपके ही लोग अपने सारे दायित्वों को बहुत ईमानदारी से निभा रहे हैं और साथ में परिवार को भी बहुत ईमानदारी से देख रहे हैं। तो वो प्रतिफल जो है कहीं ना कहीं अगर हमें मैनेजमेंट की तरफ से मिलेगा तो ये बहुत अच्छा सार्थक प्रयास होगा मैनेजमेंट का, और एक HR की भी बहुत अच्छी इसमें भावना रहेगी। और मैं पुनः एक बार साधुवाद देता हूँ अपने सुमेन भाई को, सभी को जिन्होंने आज इस कार्यक्रम को रखा। और चलते चलते दो लाइन जरूर सुनाना चाहूँगा, फिर आप गोरखपुरी साहब की हैं कि एक मैं था और अब तो मैं भी कहाँ, एक मैं था और अब तो मैं भी कहाँ, आओ अब कोई दरमियाँ नहीं। थैंक यू। बहुत अच्छी, बहुत अच्छा शेर पढ़ के गए हमारे संदीप शंकर साहब। और